सब्सक्राइब कीजिए हमारे फिल्म एक्स्ट्रा चैनल को और बेल आइकन का साथ में दबाना। हेलो गाइस, वेलकम टू द फिल्म एक्स्ट्रा चैनल। तो चलो यार, आज फिर से एक नए जो अपकमिंग स्मार्टफोन जो इंडिया के बीच में लॉन्च होने वाले हैं उसके बारे में गाइस अपडेट लेकर आया हूँ। तो गाइस बने रहिए वीडियो के बीच में। तो चलिए आज की इसी टेक न्यूज को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे आप जानते हो कि हर वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आता हूँ। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट अपडेट आती है व्हाट्सएप की तरफ से। तो व्हाट्सएप ने हर एक बंदे को भाई भेजी है वार्निंग। तो वार्निंग के विषय में उन्होंने क्या बताया कि जो ग्रुप्स के बीच में जो वीडियोस वगैरह ऐसी जो वॉयलेशन फैलाते हैं, ऐसी चीजें जो कंटेंट वहां पर डालते हैं, तो उनको एक वार्निंग गई है कि ऐसी चीजें डालने की वजह से उनके अकाउंट को कर दिया है बैन। और जो बंदा वहां पर जो ऐड भी होता है उसका भी अकाउंट बैन कर दिया, वो भी व्हाट्सएप की तरफ से। तो आप ऐसी गलती मत करना, अगर आपका अकाउंट बैन हुआ तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आती है, वीवो अपने एक फोन लॉन्च करने वाला है जिसका नेम आने वाला है वीवो S12 Pro। तो वीवो S12 ये दो वेरिएंट के बीच में फोन देखने को हमें मिलेगा। अगर इसका डिजाइन देखोगे तो इसका डिजाइन ओप्पो रिनो के जैसा है। ओप्पो रिनो 5 हमने जो देखा था बैक की लुक वैसे ही कलर्स लग रहे हैं, वैसे उसकी स्टाइलिश एंड ब्रांडिंग वैसा कुछ ही सभी लग रहा है, बस ओप्पो की जगह वीवो उसको लगा दिया गया है। तो यहाँ बैक की लुक के पीछे 3 कैमरे मिलेंगे और फोन के जो गाइस जो डिस्प्ले होने वाली है, डिस्प्ले के ऊपर एक छोटी सी आपको गाइस ऐसे नोच गाइस मिलेगी जैसे आईफोन की यार कॉपी करके छोटी सी नोच बना दी गई है, वही चीज हमें मिलती है। और गाइस वहां पर 2 कैमरे की ऑप्शन मिलेगी। तो इस फोन में हमें 4045 mAh की बैटरी के साथ 44 वाट की फास्ट चार्जिंग की स्पोर्ट देखने को मिल जाएगी। लॉन्च डेट की बात करूंगी कब ये वाला फोन लॉन्च होने वाला है, 2022 के बीच में ये वाला फोन लॉन्च होगा, जनवरी एंड फरवरी के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं नेक्स्ट अपडेट आती है स्नैपड्रैगन की तरफ से। तो स्नैपड्रैगन अपना एक नया भाई अब लॉन्च करने वाला है और नए फोन के बीच में जो नई नई चीजें एंड स्नैपड्रैगन जो ट्रिपल एट गेमिंग प्रोसेसर ने यूज किया, तो ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 और ये एक नया भाई स्नैपड्रैगन ने अपना प्रोसेसर रेडी किया। तो ये भी आपको अब फोन के पीछे देखने को मिलेगा, जैसे ट्रिपल एट का गेमिंग प्रोसेसर आपको देखने को मिलता था, लेकिन अब 8 Gen 1 का ये वाला आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आपको गेमिंग के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर जब फोन के पीछे आएगा तो आप कौन सी गेम खेलना पसंद करोगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और स्नैपड्रैगन 720 एंड 855 प्लस, स्नैपड्रैगन 888, ऐसे हमने प्रोसेसर वाले फोन यूज किया है, लेकिन अब स्नैपड्रैगन अब लॉन्च करने वाला है अपना स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का। यहाँ पर हमें हर फोन के विषय अब हर फोन के विषय नहीं मीन्स की रियलमी GT नियो का जो नया फोन आने वाला है उसके विषय में देखने को मिलेगा। तो मोटोरोला का X30 के विषय में देखने को मिलेगा 8 Gen। तो ऐसे बहुत सारे फोन आने वाले हैं, सैमसंग गैलेक्सी का भी एक फोन आने वाला है जिसके पीछे हमें 8 Gen का जो है प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। तो गाइस आपको गाइस कौन सा कंपनी का फोन सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है, एप्पल, सैमसंग गैलेक्सी या फिर Xiaomi एंड Realme या फिर Vivo, तो कौन सा फोन आपको बढ़िया लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आती है Xiaomi की तरफ से। तो दोस्तों Xiaomi अब अपना एक नया फोन लॉन्च करने वाला है, इस फोन का नेम तो नहीं बताया लेकिन इन्होंने एक लुक पेश कर दिया है और लुक वाइज इन्होंने बताया कि इस फोन के साथ आपको 120 वाट की फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट मिलेगी और ये वाला फोन भी एक गेमिंग फोन होने वाला है और गेम बहुत ही ज्यादा बढ़िया चलेगी। जैसे गेमिंग फोन हम ROG के बीच में हम गेम खेलते हैं वैसा ही हमें इसमें परफॉर्मेंस मिलेगी। तो ये तो तब पता चलेगा कि जब ये वाला फोन हमारे हाथों के बीच में आएगा। वैसे आपके पास दोस्तों कौन सा फोन है अभी जो आप यूज कर रहे हो, आपके पास स्नैपड्रैगन 888 का या फिर 855 प्लस का जो भी प्रोसेसर वाला आपके पास फोन है वो हमें जरूर नीचे सजेस्ट करना, तो उसके लिए भी हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो देखते हैं यार कितने % लोगों के पास यही प्रोसेसर वाला फोन है, यही प्रोसेसर वाला वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा प्रोसेसर यूज कर रहे हो। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आती है सैमसंग तरफ से। तो सैमसंग दोस्तों A22 ये अपना नया फोन लॉन्च करने वाला है। दोस्तों वही 2022 के विषय में फोन लॉन्च होगा। इसका अगर आप लुक वाइज देखोगे तो 48 MP का कैमरा एंड 5000 mAh की बैटरी के साथ ये वाला फोन आएगा और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की स्पोर्ट मिलेगी। तो इस फोन में गेमिंग एंड प्रोसेसर वाइज तो कुछ इतना ज्यादा पता नहीं चला, बट इस फोन का जो डिजाइन देखने को अच्छा तो लग रहा है, लेकिन गेमिंग मामले के बीच में थोड़ा सा डाउन भी लग रहा है क्योंकि यार गेमिंग के जो फोन होते हैं जिसके बीच में हमें गेमिंग बहुत ज्यादा बढ़िया हमें परफॉर्मेंस मिल दिया तो उसकी लुक तो यार कुछ डिफरेंट सी होती है। इस फोन को लेकर आपको क्या लग रहा है बताना जरूर। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आती है डायमंड सिटी, जो हम मीडियाटेक के हम प्रोसेसर यूज करते हैं, तो डायमंड सिटी
जैसे हमने 1200 जो हमें देखने को मिला था रियलमी के फोन के बीच में, तो दोस्तों रियलमी X7 मैक्स के बीच में डायमंड सिटी 1200 का फर्स्ट फोन जो इंडिया के बीच में लॉन्च हुआ था हमने यूज किया, तो गेमिंग के लिए 90 FPS का वहां पर हमें सपोर्ट देखने को मिली थी। और डायमंड सिटी यहां पर अब मीडियाटेक का ये डायमंड सिटी अब आने वाला है दोस्तों 7000 और 1200 से सीधा 7000 पर, तो ये 7000 के बीच में हमें 120 FPS 144 FPS HDR रिफ्रेश रेट के साथ, तो उस हिसाब से उस फोन के बीच में अगर ये वाला प्रोसेसर कंपेटेबल होगा तो उसमें ज्यादा रिफ्रेश रेट हमें देखने को मिलेगा, 165 रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल सकती है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि यार कितनी रिफ्रेश रेट हमें फोन के बीच में देखने को मिलेगी जिसमें ये वाला प्रोसेसर आएगा? यहाँ दोस्तों यार मैंने कम्युनिटी टैब डाला था और उसके पीछे मैंने पूछा था यार आपको कौन से सबसे ज्यादा बढ़िया एंड कमाल के आपको फोन कौन से कंपनी के लगता है, तो आप ऐसे बहुत सारे लोगों ने दोस्तों किया। मैंने सोचा था कि यार एप्पल को आएगी आईफोन को आएगी, लेकिन भाई इस बार तो आईफोन पीछे रह गया। तो सैमसंग के फोन आप पसंद क्यों करते हो? क्योंकि यार सैमसंग के फोन टक्कर देते हैं वो भी आईफोन को, और इतने ज्यादा टक्कर देंगे वो भी आईफोन को। सैमसंग के फोन दोस्तों यार आईफोन को टक्कर देते हैं, तो आप भी जानते हो तो एस सीरीज एंड नोट सीरीज के जो फोन है S21 एंड सैमसंग गैलेक्सी नोट 20, तो ये फोन दोस्तों सबसे धांसू फोन में से रहे हैं, तो एप्पल को भाई टक्कर देने वाले फोन रहे हैं। तो आपको गाइस क्या लगता है कि यार सबसे ज्यादा बेस्ट फोन कौन सा? थैंक सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, एंड ऐसी आपके लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंटेंट मैं लेकर आता रहता हूँ। तो बस आपको करना क्या है, आप एक वीडियो को यार दोस्तों लाइक कर दो, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर देना, साथ में घंटी होगी उसको ऑल पर कर देना। तो आपके लिए गाइस ऐसी मैं रोजाना वीडियोस यार लेकर आता रहूंगा, और टेक न्यूज मैं कोशिश करूंगा यार टेक न्यूज मैं डेली डालूं, क्योंकि कभी कभी यार बीच में मिस हो जाती है। तो दोस्तों आप इन सभी फोन्स के बीच में सबसे ज्यादा बढ़िया फोन आपको कौन सा लगा जो जिसका आप वेट कर रहे हो? तो गेमिंग के लिए आप फोन कौन सा फोन बाय करने के बारे में सोचा आपने, तो वो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तो इसे आप फॉलो कर सकते हो। तो मिलता हूँ गाइस ऐसी कमाल के और टेक न्यूज के साथ, तो बाय बाय।